नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद के बुर्रारगढ़ ओपी क्षेत्र के शिमला बहाल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शिमला बहाल के नरेश विश्वकर्मा की बेटी की बारात उसके घर पहुंचे डीजे पे नाच रहे बारातियों पर स्थानीय कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। बारातियों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि कुछ बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बाराती भागकर अपनी जान बचाई, वहीं लगाए गए डेकोरेशन का सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही बुर्रारगढ़ ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और बारातियों को ढूंढने लगे। तभी झरिया के कतरास मोड़ के पास कुछ बाराती और दूल्हा मिले। पुलिस और कुछ स्थानीय सामाजिक लोगों ने काफी समझाने का प्रयास किया, पर सभी ने शिमला बहाल जाने से इनकार कर दिया। फिर किसी तरह से झरिया के दुखरानी मंदिर में लड़की को बुलाकर शादी कराया गया और वहीं से लड़की को विदा कर दिया गया। आखिर लड़की का क्या कसूर था? क्यों बच्ची के खुशियों में मातम लगा दिया? कौन दिया इन दबंगों को हक? फिलहाल लड़की के घर वाले पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, ऐसे दबंगों पर कार्यवाही करें ताकि भविष्य में किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। बारात आ रहा था, डीजे लाइट भेजे और डीजे लाइट भेजने के बाद में मतलब उन लोग भी डांस कर रहा था, उन लोग का ठेल करके आई ज्यादा लोग डांस करने लगा और मारपीट इसी में होने लगा। सब राइस लाइट के जो डंटा जो है से खींच करके उन लोग के मारने लगा। मेरा दामाद के मारा उसको, जो अथी था जो मतलब बराती पार्टी था उसको भागना के मार करके एकदम अधुआ कर दिया कि कोई हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा। घर में ना होकर जो है जाकर मतलब डर के कारण जो होता है उसको दुखानी मंदिर में कराना पड़ा, वो भी कराने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल सामना करना पड़ा। अगर प्रशासन नहीं रहता तो शादी हो पाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था शादी हो पाना। हम बस यही विनती चाहते हैं प्रशासन से, जो अभद्र यहाँ के यादव लोग हैं इनको मन बढ़ा रखा है, मन बढ़ रखा है लोगों का, उनके ऊपर में ऐसा कानूनी पेच लगे, कार्रवाई हो ताकि वो अपना जो आदत ये जो है ठीक है, दूसरे को जो इज्जत नहीं समझते हैं लोग, वो उनके ऊपर में उचित कार्रवाई हो ताकि उनके ऊपर में लगे ऐसा करने का अंजाम क्या होता है। इनके ऊपर में भी को है कानूनी तौर पर करने वाला कार्रवाई,